भाई रंगों का त्यौहार आने वाला है तो आज सोचा कुछ करते हैं कलरफुल, वो भी अपने किचन से निकले हुए ढेर सारे ग्लास बॉटल्स के साथ में। मुझे तो ये बॉटल्स बहुत खूबसूरत लगी, अब आपको कैसी लगी ये तो आप ही बताएंगे। नमस्कार, जुगाड़ू बेस्टी पर आज हम लोग करेंगे बहुत छोटा सा काम पर होगा बहुत कलरफुल। ये देखिए कुछ इस तरीके से, भाई जब बालकनी भर जाए कहीं जगह ना बचे तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई कोना ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि दिल अभी भरा नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए अपने फ्री की हरियाली भी मिल रही है, ढेर सारे कलर्स भी मिल रहे हैं, तो बात कुछ और होती है। अब जब इस तरह की ढेर सारी सुंदरता मिल जाए ना, जो आपके दिल को भी सुकून देगी, आपके दिमाग को भी सुकून देगी, तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप अपनी टेबल पे सजाते हैं, किसी कोने पे सजाते हैं, तो क्यों ना इस तरह से सजाएं ना। ये देखिए कुछ हमें करना ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा बहुत आसान, पर लगेगा बेहद खूबसूरत। यहाँ पर देखिए है क्या, आप सभी लोग पहचानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, अपना शलगम टर्निप है ना, बस बॉटल में पानी भरा डाल दिया, और इधर अपना ये खूबसूरत सा चुकंदर बीटरूट है ना, कई दिनों से पड़ा हुआ है, काफ़ी लंबी लंबी सी रूट्स और साथ में बहुत खूबसूरत सी पत्तियाँ। और यहाँ देखिए अपनी ये गाजर कैरेट, इसको मैंने आधा काट के डाला हुआ है, और यहाँ पर ये जो आप चुकंदर देख रहे हैं अपना शलगम, यहाँ पर भी आप आधा पीस काट के डाल सकते हैं, क्योंकि पीसे छोटे छोटे थे तो मैंने सोचा पूरा डाल देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलरफुल बनाने का मूड हुआ, तो यहाँ पर मेरे पास येलो कलर का और ग्रीन कलर का पड़ा है फूड कलर, वो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर अपना हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी से भी पीला रंग आएगा। और यहाँ पर देखिए चुकंदर वाले में मैंने डाल दिया चुकंदर का जूस। अब ये हमारा गाजर, चुकंदर, शलगम पानी के अंदर डूबे नहीं, इसके लिए मैंने दो दो टूथपिक लगा दिए। आपका पीस बड़ा होगा तो ये टूथपिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिंपल। अब उतना ही सिंपल है वीडियो को लाइक करना, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का हिस्सा भी बनिएगा और सभी अपनों को शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी हाजिर होती हूँ किसी अगले जुगाड़ के साथ। थैंक यू।